सबसे पहले तो न्यूज डिलीवरी का स्टाइल क्या है और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा मैटर करता है। एक एवरेज एंकर को न्यूज सेंस ही नहीं होगी। न्यूज सेंस सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है कि एक एंकर को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इस न्यूज का एंगल क्या है, ये न्यूज सेंस क्या बन रही है। लेकिन आजकल जो एंकर्स आ रहे हैं वो बस सामने लिखा है वो पढ़ रहे हैं और सुर लगा रहे हैं। मैंने इतने मतलब जो हमारे इंटर्न्स हैं, मैंने इतने एंकर्स को देखा है, मतलब उन्हें एंकर्स नहीं कहना चाहिए बट दे आर ऑन एयर तो हमें उन्हें एंकर्स कहना पड़ता है, तो सुर लगा रहे होते हैं। मतलब मैं अभी जब हमारे भी इंटर्न्स आया करते तो मैं उन्हें समझाया करती थी प्लीज सुर मत लगाओ, एक स्टाइल मत बनाओ, जो न्यूज है उसको पढ़ो उसको समझो। लेकिन चूंकि वो अपना एक स्टाइल बनाने में, वो लोगों को कॉपी करने में, हमें सुन के या शैंकर्स को सुन के वो इतना मतलब उसी में बिजी होते थे कि वो अपनी ग्रूमिंग पे उस तरह से ध्यान नहीं देते थे कि हम अपना तलफ्फुज ठीक करें, अपनी जेर जबर इस पे काम करें, हम न्यूज डिलीवरी पे काम करें, बजाय इसके कि वो अपनी टोन सेट करने में लगे। तो मेरे ख्याल से एवरेज एंकर में यही फर्क है कि न्यूज सेंस ही नहीं होती है उनको। तो ये मुझे लगता है कि अगर मैस कम्युनिकेशन में तो चूंकि ये पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे चैनल्स को चाहिए कि सेशंस कंडक्ट करवाया करें और बाकायदा उनको बताया करें। आजकल तो मैंने देखा है कि कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज से एसोसिएटेड हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने चैनल्स खोल दिए हैं, तो वो हम देखते हैं कि एक बंदा डिग्री पास करता है वो चैनल पे आके ऑन एयर हो जाता है, तो उसने कहाँ सीखा है, उसे कहाँ सिखाया गया है, कहीं नहीं। क्योंकि हमारी डिग्री का पार्ट कुछ चीजें हैं जो कि हमारी एंकरिंग जो है वो हमें नहीं सिखाई जाती डिग्री में। हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है जो कि न्यूज एंकरिंग की डिग्री ऑफर नहीं करे, तो ये मैं कहती हूँ कि पूरी डिग्री इस पे न्यूज एंकरिंग पे भी हो सकती है कि अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, वो करंट अफेयर पे उसकी नोहा है, वो अच्छा एंकर बन सकता है। लेकिन अगर कोई मतलब कोई और डिग्री करके आया और बस अच्छा ठीक है गुड लुक्स है ठीक है बिठा दो ऑन एयर, तो वहां पे फिर ज्यादती हो जाती है उनके लिए जो कि मैस कम्युनिकेशन या पढ़ के आए हैं, जो कि डेडिकेटेड है लेकिन उसके पास रेफरेंस नहीं है, वो बंदा काम करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, तो उन बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा होती है। मीडिया हाउसेस को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस तरह से लर्निंग के लिए ना बनाया जाए, जो जूनियर्स हैं जो अभी एक, मैं समझती हूँ कि साल 2 साल वो मैटर नहीं करते, आपका एक्सपीरियंस उस तरह से मैटर नहीं करता है। एक एंकर अगर 1 महीना भी उसने काम किया, 2 महीने में काम किया, अगर उसको अपने इदारे ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और उस बंदे ने भी अपना कॉन्फिडेंस इदारे पे रखा है, तो वो ट्रांसमिशन कर सकता है, वो चैनल संभाल सकता है, स्क्रीन संभाल सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस हो और इदारे ने भी इतना दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अरुबा खान, यू आर वाचिंग मी ऑन मीडिया स्प्रिंग, और मीडिया स्प्रिंग को मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा इंटरव्यू ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।